हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रथमेश सुरकर आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सुरकर ब्लॉग में। आज मेरा पहला ब्लॉग है ये, और पहले ब्लॉग की शुरुआत आज दादा के आशीर्वाद से हो रही है। मुझे पता है अभी भोजन के मन में यही देखा कि ये क्या बोल रहा है दादा का आशीर्वाद। वैसे सभी लोग को टाइटल पढ़ के समझ में आया होगा, नहीं समझे तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। आज हम लोग जाने वाले गुजरात, गुजरात में हम लोग जाने वाले सहारनपुर गाँव में, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है। वहाँ के जो रहवासी है सहारनपुर के, वो हनुमान जी को दादा बोलते हैं, इसलिए मैंने पहले बोल दिया कि आज ब्लॉग की शुरुआत दादा के आशीर्वाद से होने वाली है। प्लानिंग हम लोग का ऐसे है कि बोरिवली से हम लोग की ट्रेन है, और हम लोग उतरने वाले भोताड़। भोताड़ से पहले हम लोग जाएंगे स्वामीनगोदड़ो, उधर से हम लोग जाएंगे दादा के मंदिर में। वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। आज 31 दिसंबर है और सुबह के 8:30 हो गए हैं, और इंट्रो में अभी सुबह शूट कर रहा हूँ क्योंकि शाम के टाइम मुझे पॉसिबल नहीं होगा इंट्रो शूट करने के लिए। अभी निकलते ऑफिस के लिए और जल्दी मिलते हैं ऑफिस छूटने के बाद। बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रेन में बहुत मैंने फ़ोन किया। शाम के टाइम हम लोग को ज़रा शूट करने के लिए प्रॉब्लम हुआ, ग्रुप दिखाते हुए था। ये रहा हम लोग का ग्रुप पूरा जो साथ में हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे। दर्शन करेंगे और दर्शन करने के बाद सारा जो हनुमान मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने वाले। चेकआउट कर रहे हैं और इधर के आश्रम में हम लोग रुके थे, नाश्ता और खाना पीना सब इधर ही हो गया। अभी इधर से हम लोग जा रहे हैं हनुमान के मंदिर में सहारनपुर में, आपने देख लिया होगा बहुत अच्छा व्यू था। प्रभु जय
से ऐसे सुनने में आया था कि वहाँ दादा का अस्तित्व है, पर जब खुद जाके देखा
तब भी लगा कि दादा का अस्तित्व है। जब भी मंदिर में हम लोग ने एंटर किया तब भी ऐसा लगता है कि दादा हमसे बात कर रहे हैं। जो अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं वो सभी लोग को रिकमेंड करूंगा कि साल की एक ट्रिप आप सहारनपुर की निकालो। आप सब लोग को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, आप सभी लोग वही फील करोगे जो हम लोग ने फील किया। आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकन है ना उसको भी दबा देना, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। मुझे भी अच्छा लगेगा, दादा को भी अच्छा लगेगा। सो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, नई जगह पे, नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सब लोग को बाय बाय।